नमस्कारम, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम बताएंगे सीपीयू बिल्डअप यानी कि कस्टमाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्यादा देर तक हम नहीं बकबक करेंगे, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, देखेंगे मजे लेंगे। अरे ये है हमारा न्यू सीपीयू, न्यू जन सीपीयू, मतलब ये जो नेट है ना, इस नेट के अंदर ही सारी तरीके का फॉर्मेशन लगा हुआ है एक्चुअली में। और यहाँ पे जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमारी स्क्रीन के ऊपर लग जाते हैं ऐसे, इस तरीके से, मतलब ऐसे। और ये है हमारा नया सीपीयू, सॉरी उल्टा रह गया। जियो रे बाहुबली। बहुत सारे चीज़ें हम इसके ज़रिए करने वाले हैं। तो भाई ये है हमारा न्यू जेन राइजन 5 सीपीयू। तो हम ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, इसको हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। यो टुडुंग, ये है हमारा न्यू जेन सीपीयू। न्यू जेन सीपीयू इज ऑलवेज रेडी टू चर्म। हमने लाइट ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन दोस्तों हम एक समस्या में पड़ गए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, सुनिए, हो नहीं रहा ऑन, जस्ट बिकॉज हमने इसमें पहले से कुछ करके रखा था। लेकिन यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं YouTube पे थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। हाँ ओबियसली खुद का ही वीडियो है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम खुद का ही वीडियो देखते हैं, बस लोगों का नहीं देखते। सो आप भी सब्सक्राइब करके हमारा ही वीडियो देखिए सिर्फ। और हमें समझ में आ गया, हम लगभग 5 महीने से ये वीडियो देखते आ रहे हैं, मतलब करते भी हैं और खुद बाद में इसको देखते भी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो भाई ये ऑन तो हो गया, लेकिन यार एक चीज़ की कमी रह गई, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ। ये पीसी के अंदर कोई लाइट नहीं दिख रहा ना, है ना, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमने एक्सटर्नल लाइट आरजीबी लाइटिंग्स लगाए हैं। कैसे हम दिखाते हैं, रुको जरा, तो देखो ए लाइट कहाँ गए, फैन कहाँ गए, देख भाई खाली गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं। तो देख भाई हम 1 सेकंड के लिए इसको ऑन कर रहे हैं, बस 1 सेकंड, लाइट्स इज ऑन ब्रो ऑन, हम इसके अंदर लगा रखे हैं, इसीलिए ये सब खाली डब्बा है। आपको लग रहा है कि भाई खाली हो गया, ऐसा नहीं था, हमने लगा दिया है ऑलरेडी। सो आपको टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और हमारा सांता क्लॉज जो है वो भी आपके साथ ही, मतलब झूल रहे हैं यहाँ पे धागे पे, ऐसा कुछ भी हो। ये लाइटिंग बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड RGB लाइटिंग के साथ आया है। और उसके साथ एक रिमोट भी आपको दिया जाता है, जो कि एक RGB लाइटिंग का ही रिमोट है ओबियसली। तो हम इससे इसकी लाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि RG और V हो गया। लेकिन इसके साथ ही हम बहुत सारे मोड्स भी, ऐसे रेनबो टाइप भी कर सकते हैं, इसके स्पीड अप स्पीड डाउन, और बहुत सारे मोड्स ऐसे हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। ओके बट सॉरी फॉर द शोर, मतलब नॉइज़ जो आ रहा है टक टक करके हमारा ऊपर में। एक रास के बाद बताऊँ, थोड़ी दिन बाद ना एक स्टूडियो टूर आएगा, एक नहीं 2 स्टूडियो टूर आएगा, एक अब के और एक बात का। हमने स्टूडियो जो है वो बहुत ही बड़े तरीके से अपग्रेड किया है, लेकिन वो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं आज तक। मतलब मैंने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे हैशटैग न्यू स्टूडियो लिखा हुआ था, बट वो सिर्फ फॉल सीलिंग का पिक्चर डाला था मैंने इंस्टाग्राम पे। बट अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगा। आपको ये राज की बात बता रहा हूँ मैं, पैसा देना चाहिए था मेरे को, नीचे कमेंट बॉक्स पे 500 रुपये डाल दो, मतलब कमेंट पे ही डाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे इस वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखा, 500 रुपये डाल दो, मतलब रुपीज़ लिख के 500 डाल दो, बस उसी से आई एम सेटिस्फाइड, उसमें नहीं जाएंगे, मतलब बिजनेस की बात तो हो गई है,
अब थोड़ी काम की बात करी जाए। तो देखो भाई, इसमें है 5800X, यस AMD Ryzen 5, समझ सकते हो ना किस लेवल का हम ये CPU बिल्डअप किए हैं। उसके साथ हम लगाए हैं गीगाबिट के मदरबोर्ड, ओबियसली अच्छा मदरबोर्ड, और ओनली डेडिकेटेड फॉर द AMD Ryzen प्रोसेसर्स ओनली। और उसके साथ हमने लगाए हैं गीगाबिट के 2GB के ग्राफिक्स कार्ड, जिसके हर एक प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं भाई मिल ही जाएगा। एंड उसके साथ हमने इसमें लगाए हैं 16GB DDR4 रैम, या आप देख सकते हैं नो RGB रैम है वो। मुझे ये डिसेटिस्फेक्शन लगा, मैंने बोला था उनको कि भाई RGB लगा दो, उन्होंने बोला कि भाई ये तेरा काम का नहीं है। मैंने बोला क्यों भाई, ये मेरा काम का क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने बोला कि भाई ये तो तेरे बाप ने मतलब खरीदने आए हैं। मैंने बोला हाँ यार सही कहा, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप दिखा दो ना सब्सक्राइब करके, हम भी अपने लोगों को दिखाएंगे भाई, हम भी दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप सपोर्ट करोगे ना मुझे, सब्सक्राइब, ओनली सब्सक्राइब एंड द सपोर्ट आई नीड ऑफ यू एंड फ्रॉम यू। सो उसके बाद हम खरीदे इसको, और उन्होंने RGB लाइट भी नहीं दिया था। मैंने बताया आपको कि मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा, 1700-1800 रुपये के अंदर तीनों RGB फैंस मिल गए थे। ARGB फैंस हैं, सिर्फ RGB नहीं है। और उसके साथ हमने जो लगाए हैं इसमें 500GB का क्रूशियल का NVMe SSD एंड 2TB का हार्ड डिस्क है Seagate का। एंड उसके साथ हमने लगाए हैं कुछ कॉर्ड कनेक्शंस, और उसके साथ है ये गीगाबिट का एक अच्छे खासे प्राइस में, मतलब वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट, जो कि ओब्वियसली ग्लास कैबिनेट है, आप देख ही सकते हो। एंड उसके साथ थोड़े बहुत पेस्ट और फैंस वगैरह लगे हुए हैं, थर्मल पेस्ट जो जानते हैं वो जानते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एक हमने 450W की SMPS लगवाए हैं इसमें, वो अगर देखी जाए तो इन कंपेरिजन टू दिस चीज़ें हाँ वाह क्या बात है, हमने बहुत अच्छी इंग्लिश सीखी है मतलब या ट्यूटर को पूरा पैसा दिया लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया, ये हमारी गलती नहीं है, मतलब इंग्लिश के बजाय कुछ तो सीख लिए हम। ये SMPS और ये गीगाबिट का मदरबोर्ड बोलो, MSI की मदरबोर्ड बोलो, या फिर हार्ड डिस्क बोलो, या फिर ये RGB फैंस बोलो, AMD Ryzen बोलो, कुछ भी हम सीख सकते हैं उनसे। किन से? वो KMX1 है। अरे यार हर समय पे एक बस पों पों करके चला जाता है, इसलिए मैं भी कहता हूँ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और उसके साथ हमारा स्टूडियो टूर भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्टूडियो एक साथ नहीं दिखाने वाले, थोड़े दिन बाद यानी कि 15-20 दिन के बाद हम दिखाने वाले हैं। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू फॉर द कीप सपोर्टिंग। 500 रुपये डाल देना कमेंट में, तभी जाके समझूंगा कि आपने देखा ये वीडियो। लव यू ब्रो। Is you better?